नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं चिमनी बाई चौक और आपको दिखाएंगे कि यहाँ गाड़ी है। ये देखें, पूरे चौक पर चढ़ा दी, गोल चक्कर पर चढ़ा दी है गाड़ी, ये देख सकते हैं। अब आप समझे यहाँ कैसे आई, ये देख रहे हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से। ये देखें एक भयंकर भीषण एक्सीडेंट। और ये किधर से आई गाड़ी, इधर से आई। इतना तो एकदम जाम किया है, बहुत पता नहीं सर, वही तो बात रहो ना, इधर से इतना तो जाम तो हो नहीं सकता है। इतना ऊपर से स्पीड से आएगा, इतने स्पीड से होगा तभी तो आया होगा सर, काफी स्पीड में होगा सर। ये तो ऐसे ही है सर, ये पूरा पार कर दिया ना। ये देख सकते हैं आप, एक गजब नजारा, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये गाड़ी, टैक्सी नंबर गाड़ी है। ये देख रहे हैं, पहले नंबर देखें, DL52GD6013, यानी DL52GD6013 ये गाड़ी है। और ये गाड़ी यहाँ सामने इस तरफ से आ रही थी। गाड़ी की आप लगा सकते हैं आप स्पीड कितनी तेज थी सर, पिकअप वाले का मैं तो सिर्फ उन्हें लेके, एक दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, ऑटो वाले का हुआ था। हाँ, उसका पूरा पैर ही डैमेज हो गया सर। ये देख रहे हैं आप, अब आप ये समझ सकते हैं कि गाड़ी इधर से आ रही थी, मुल्ला होटल की तरफ से आ रही थी, और फिल्मी अंदाज में यहाँ से और गाड़ी वहाँ पहुँची है। आप भी देख कर दंग रह जाएंगे और चकित रह जाएंगे कि ये गाड़ी आखिर वहाँ तक कैसे पहुँची, कितनी स्पीड थी गाड़ी की। ये नीचे देख रहे हैं, इतना बड़ा गड्ढा था और उसके बाद भी पूरा गड्ढा पार करके गाड़ी उस पार पहुँच गई गड्ढे के, फरीदाबाद। आप समझ सकते हैं, एक बड़ी खबर आज की, सबसे बड़ी खबर कि किस तरह से, अब आप लगाएं कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी। ये गाड़ी यहाँ से वहाँ पहुँची गड्ढा पार करके, तो ये देख रहे हैं इधर से आई होगी ये गाड़ी, इस तरफ से सामने से आई और इधर से ही आई जी। ये हैं और ये यहाँ से, अब आप लगाएं कि कितनी लंबी जंप मारी इसने, इतनी पर पार कैसे हो गई। फिर भी देखो, मुझे क्या पता, आपसे पूछ रहा मैं। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, हमें क्या पता। मैं है, रहती तो खबर लेती है, हम तो उधर नंबर हूँ मैं। अच्छा, तो क्या पता है भाई? ये गाड़ी यहाँ से जंप मार के और आप देख रहे हैं वहाँ सामने पहुँची है। ये पूरा इतना बड़ा, लगभग 7-8 फुट का गड्ढा, ये पूरा गड्ढा पार करके गाड़ी वहाँ पहुँची। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि गाड़ी किस तरह से स्पीड में आती है और छलांग लगा देती है, जंप मार देती है, तो ठीक वैसे ही कुछ यहाँ देखने को मिला। ये नया नया चौक बन रहा है चिमनी बाई पर, ये चौक बन रहा है। देख लो भाई साहब, आपने देखा कभी ऐसा? मतलब इधर से गई है? हाँ, यहीं से गई है। क्या हो गया? ये गाड़ी यहाँ से गई है, बताओ कैसे पार कर दिया हुआ इतना, उसको पार कर गई है, तो पार ही कर गई। आप देखो ना कैसे खड़ी है, ये इधर से आई होगी। और ड्राइवर कहाँ है? अब ड्राइवर पता नहीं, ये तो रात की घटना होगी शायद, पर पूरी पार इसने भी नहीं अटकी और पार करके पूरा, ये देखो ना कितनी दूरी है भाई, छोटा मोटा थोड़ी है, इतना बड़ा बाइक से पार नहीं कर पाओगे। सही बात है, बाइक। और फिर दूसरा कोई ऐसा भी नहीं है यहाँ, कोई ऐसा ढलान वाला ढलान हो, ऊंचाई सी जो हो जिसपे चढ़ के जब कूद गई वहाँ, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है ड्राइवर। और ये देख रहे हैं, दिखाएंगे गाड़ी भी आपको एक बार, दिखाते हैं। और ये गड्ढा तो आपने देख ही लिया, ये सामने इधर से ये देखें, पीछे मुल्ला होटल की तरफ से आई है गाड़ी, और फ्लाइंग कार, जी बिल्कुल फ्लाइंग कार भी कह सकते हैं आप इसको, ये फ्लाइंग कार बन गई, ये देख रहे हैं। और गाड़ी भी दिखाते हैं आपको, गाड़ी की हालत भी दिखाएंगे, ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं किसी कंपनी वंपनी में लगी है क्या है, ये गाड़ी देख रहे हैं। और गाड़ी की हालत भी दिखाते हैं, ये दोनों एयर बैग खुल गए गाड़ी के,
अभी ये नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे, क्या था, कितनों को चोट आई है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें पीछे बैग पड़ा है, एक काले कलर का बैग है, और जो ड्राइवर सीट है वो बिल्कुल पीछे हो रखी है, फ्लैट हो रखी है। ये देख रहे हैं टायर पंचर, और ये देख रहे हैं आगे से भी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी। ये देख सकते हैं पूरी किस तरह से, ये सारा रेडिएटर वगैरह जो इसके नीचे निकल कर आ गए सामने से। इसमें बच गए, चलाने वाला बच गया क्या? हैं? एक ही था और तो कोई नहीं था। और ये हुई कब? रात में। रात की बात है, कितने बजे की? ये तो बताना, ये बताया कितने बजे की बात है? रात कितने बजे की जी? सर ये जिसकी गाड़ी है नहीं है, और लड़का मैं साथ पी रहा था चाय पानी, कहता मेरे को रात को 1:30 बजे अंधेरा था, वह गाड़ी पार कर रहा चला रहा था 80 की स्पीड में, एक कस्टमर छोड़ा मैंने, उसको आराम छोड़ा यहाँ पर, कहीं भी छोड़ा हो, उसने गाड़ी कह रहा मेरी गाड़ी में अंधेरा था, मेरे को ये नहीं मालूम था ये गड्ढा है, ड्रिलिंग नहीं करता वो, और सिंपल आदमी था वो, गाड़ी चला रहा था स्पीड में, तो गाड़ी निकाल के ले गया, कहता मेरे को ये नहीं पता चला कहाँ से कहाँ उड़ा दिया मैंने गाड़ी। वो बस से पीछे देखी आपने, कहता मैं बस ही पार कर दूंगा, तो उसने ये पार कर दिया। नहीं इधर उधर सर, सामने तुमने खुद देखा ही है सर, जो जिसकी गाड़ी है ना वो लड़का मेरे साथ अभी चाय पाए पी के गया है। नहीं, नहीं, अभी, चाय पीना अभी अभी दो मिनट तुमने देखा नहीं देखा ना, उसने जो बोला है वो कह रहे हो? हाँ जी सर। पहली बात तो ये कि ये 10 से 12 फुट का गड्ढा है, ठीक है जी, इसमें मर जाता है इंसान, ये हो ही नहीं सकता कि गाड़ी ऐसे जंप कर जाए। हाँ ये भी मैं हैरान हो गया, में कहीं टक्कर मार के फिर इसने पीछे यहाँ लगा दी है, और इसको दोषी ठहरा रहा है कि इसकी वजह से वो आए। ओके सर, तो आपकी बात समझ गए, ये सरिये में ही फंस जाती गाड़ी है, ये बंदा मर जाता, इधर ऊंचाई है उधर नीचे कैसा जाएगा? ये ज्यादा स्पीड की गाड़ी होगी ना, और ये तो पता लगेगा अगर इधर कहीं से आई है गाड़ी पार्क की है, तो ये भी पता लगेगा, इसके टायरों के निशान भी दिखेंगे, और ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट किया हो और वापसी में दोबारा यहाँ लगा दी। ये देख रहे हैं, और ये टायर के निशान भी हैं, ये देख सकते हैं है? बाबू जी लग तो ऐसे रहे, देखो वो टायर के देखो और ये निशान देखो, यहाँ टायर के निशान, तो आप ये समझो सर, जहाँ ये गाड़ी खड़ी है वो बहुत ऊंचाई है, ठीक है, अब पीछे से जहाँ से आया वहाँ नीचाई है, अगर इधर से उधर कूदते तो एक बार को समझ में आता ऊंची तरफ से नीचे कूदे, लेकिन ये नीचे से इतने ऊपर ऐसे कैसे आ गए इतने, ये तो बाइक भी नहीं आ सकती बाबू जी, ये तो कुछ सोचने की बात है। स्पीड बहुत तगड़ी स्पीड थी, ये आपके ही कहीं लग रही है क्या बाबू जी गाड़ी? अच्छा कहाँ पे? नहीं हमारी कंपनी गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है, तो ये जो चला रहा था ड्राइवर वो ठीक है? पता नहीं अभी मैं मिला ही नहीं, अभी आया हूँ मैं, भी देखने आया हूँ अभी। आपको कैसे सूचना मिली सर? मैसेज किया था उसका, फोन ही बंद भी आ रहा है। ड्राइवर ने मैसेज किया, क्या नाम है ड्राइवर ने? पता नहीं भाई, अभी बताऊंगा तो ढूंढ लो पहले उसको, पहले कंपनी की गाड़ी है और मैसेज, ये देख रहे हैं गजब नजारा, लोग तो फ्लाइंग कार कह रहे हैं, फ्लाइंग कार थी ये, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि बड़ा ही अजीबोगरीब कहानी है इसकी, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये, कि उस तरफ से गाड़ी इधर कैसे आ सकती है सबसे बड़ी बात, और एक बार को ये भी हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट करके आया हो तो गाड़ी यहाँ बैक करके लगा दी, लेकिन कहीं किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं क्योंकि रात का समय है, रात के समय ये घटना हुई है, लेकिन आप बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये गड्ढा देख रहे हैं आप कितना बड़ा गड्ढा है, और जिधर साइड से ये चढ़ी है वहाँ से नीचा है, ये देख रहे हैं यहाँ से नीचा है और यहाँ ऊंचा है, अब नीचे की तरफ से इतनी ऊंचाई पे गाड़ी कैसे चली जाएगी सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें झोल है, जो फरीदाबाद ये देखें कैसे जंप हो जाएगी, हालांकि फिल्मों में भी दिखाते हैं लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है कि गाड़ी इधर से आ रही हो कितनी भी स्पीड पे हो गाड़ी, और स्पीड पे होने के बाद भी ये जहाँ से जो जगह है जो कट है वो इस सड़क के बिल्कुल सीख डिवाइडर के सामने, सड़क इस तरफ है, अगर सीधी भी आती तो सड़क से इधर आनी चाहिए थी ना कि उधर, और दूसरी बात कि वहाँ ऐसा कोई इतना जंपिंग वाली कोई जगह नहीं है, ऐसी चढ़ाई नहीं है जिसपे गाड़ी चढ़ के और कूदी हो,
वहाँ देख रहे हैं आप, साफ नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल प्लेन है, सड़क के बराबर है, समतल जगह है और इतना बड़ा गड्ढा है, इस गड्ढे को पार करके कार सामने पहुंच गई, ये देख सकते हैं। ये 3 नंबर चिमनीबाई चौक है, ये देख रहे हैं अभी, हालांकि नया नया चौक बन रहा है और इस चौक पे अजब गजब के नज़ारे हो रहे हैं फरीदाबाद। अभी तो चौक बना भी नहीं है, चौक का काम चल रहा है और उससे पहले ही चौक पर ऐसे ऐसे नज़ारे होने लगे जो समझ से परे हैं। चिमनीबाई धर्मशाला है, चिमनीबाई चौक है, इस चौक पर ही। हाँ क्या बताओ बताओ, ये रात की घटना है। आप हैं? हम मौजूद थे। क्या नाम है आप? इंदर नाम है मेरा। 12:30 बजे करीब है ना, सी की स्पीड थी और इसने गाड़ी है ना पूरी पार कर दी, इसने पार हुई है, पार यहाँ से हुई है। हम ड्रिंक कर रहे थे यहाँ पे, ड्रिंक कर रहे थे हम। वो बंदा सही है, कुछ नाखून की चोट नहीं आई, पार हो गया, कुछ नाखून जैसी खरोच भी नहीं आई उस पर। हाँ गाड़ी स्पीड में थी, उड़ा दी उसने गाड़ी, उड़ा दी यहाँ से उड़ाई है वो। उसको एक एक किस्म का पुलम जलम मिला होगा, भगवान इसके साथ था, बस इतना बता रहा हूँ। अकेले ही था, कोई सवारी नहीं थी, कोई नहीं थी, निकल गया। तो फरीदाबाद यहाँ कहीं कोई सीसीटीवी भी होंगे, लेकिन जो लोग हैं कौन सा पार कर गए, अगर सीसीटीवी में भी देखेंगे तो हो सकता है पता लग जाए, नजर आ जाए कि आखिर क्या हुआ था। और ये चौक है, ये देख रहे हैं जहाँ की ये घटना है, चिमनीबाई चौक है और चौक पर आज अद्भुत नजारा, फ्लाइंग कार देखने को मिली। वो बंदा नहीं आ रहा है, वो घबरा रहा हो। है कहाँ? वो है आस पास ही है, घबरा रहा हो। क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता भाई, अनजान बंदा है वो भी, हम भी अनजान बंदे यहाँ के रहने वाले। अच्छा, कंपनी वाले बंदे आ रहे हैं लेने के लिए। ये भाई साहब वहाँ से आए, ये देख रहे हैं, ये बड़ी ही आपको आज ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल रोड देख रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये रास्ता है, ये रोड के बराबर समतल है बिल्कुल, और गाड़ी यहाँ से चली उड़ी और सीधा इस इतने बड़े गड्ढे को पार करती हुई सामने पहुँच गई वहाँ, ये देख रहे हैं। और वहाँ जाके रुक भी गई, सबसे बड़ी बात कि ये पार होने के बाद भी आगे नहीं गई और गाड़ी वहाँ रुक गई, ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से यहाँ से ये फ्लाइंग कार इस गड्ढे को पार करती हुई और आगे जाकर रुक गई। कोई फ्लाइंग जट्टी चला रहा होगा शायद इसे, पर आगे जानी चाहिए थी, हालांकि गाड़ी इसको पार कर गई तो आगे जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बिल्कुल पार करते ही रुक गई। किसी फिल्म का ये कोई सीन हो सकता है। और आप देख रहे हैं एक बड़ा ही अलग, ये कार इधर से आई है जी, देखो पार करते हुए वहां पहुंच गई, पूरा गड्ढा पार करके। अब बताओ कैसे करोगे, आप भी गाड़ी चलाते हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? ये बताओ, बैटरी वाली है? सही बात है, सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक कार है और बैटरी वाली कार में इतनी पावर आ गई कि ये इतना बड़ा गड्ढा पार करके और वहां पहुंच गई। तो देखते हैं, कंपनी के लोग हालांकि आ रहे थे, वो आपको बताया भी था, कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, कंपनी के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और जो कुछ भी हुआ वो सब यही है कि फिल्मी स्टाइल में गाड़ी उस तरफ जा पहुंची और सब सेफ है, दोनों एयरबैग खुल गए थे, हालांकि कोई चोट भी नहीं लगी है गाड़ी चालक को, लेकिन इसमें क्या होता है और ये ऐसे कैसे हुआ वो थोड़ा सा सबके लिए ही एक रोचक विषय है, जानकारी जुटाएंगे उसके बारे में भी, अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिलेगी या कहीं किसी के पास कुछ कोई सूचना इसकी होगी तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हर आदमी हर दर्शक इसका इच्छुक होगा कि आखिर ये फ्लाइंग कार यहाँ से उड़कर उस तरफ कैसे पहुँचे। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।